नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ लुलु मॉल उद्घाटन के बाद से ही विवादों में है। लखनऊ मॉल में नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ लोग बेवजह टिप्पणी कर रहे हैं और लोगों की आवाजाही में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ प्रशासन को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, साथ ही इस तरह का उपद्रव करने वाले उपद्रवियों से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं। सहारनपुर में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम भेजा है। दरअसल ज्ञापन में गन्ना मूल्य भुगतान, किसान आयोग गठन, डग्गा मार्ग वाहनों पर रोक के साथ चारागाह की भूमि कब्जा मुक्त कराए जाने आदि मांगों को पूरी करने की मांग की गई है। आज हम किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसा गन्ना मूल्य भुगतान। हमारी मांग है गन्ना मूल्य भुगतान गन्ना एक्ट के अनुसार 14 दिन के बाद ब्याज सहित करा जाए। दूसरी हमारी समस्या है, जब तक जनपद सहारनपुर के अंदर जितनी भी ये चीनी मिले हैं किसान का पूरा भुगतान नहीं करती, तब तक किसी भी किसान का जनपद के अंदर बिजली वाले या किसान क्रेडिट कार्ड वाले उनकी आरसी न कट जाए। तीसरी मांग है हमारी, किसान आयोग का गठन किया जाए। चौथी मांग है हमारी, न्याय पंचायत बेहड़ा संदल ब्लॉक मुजफ्फराबाद से ब्लॉक पंवारका में कराया जाए, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ किया जाए। अगर ये मांगे नहीं की जाती तो भारतीय किसान यूनियन भानु जो है बड़ा आंदोलन करेगा। खबर हाथरस से है। हाथरस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने स्विफ्ट कार से हथियारों की बड़ी तादाद के साथ दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाल रंग की स्विफ्ट कार से 5 पिस्टल, 3 तमंचे, 113 कारतूस के साथ 1 किलो 70 ग्राम नशीला पाउडर भी बरामद किया है। खबर पीलीभीत से है, जहां अमरिया तहसील क्षेत्र के बरेली हरिद्वार हाईवे पर तारा ईंट भट्टे के सामने दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको उपचार के लिए जिला चिकित्सा अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। खबर फरुखाबाद से है, जहां पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जिले के लाल विनोद कुमार पाल का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके साथ ही सरकार की तरफ से उनके परिवार को 50 लाख का चेक भी उपलब्ध कराया गया है। उसके परिवार के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और उन्होंने शहीद को सम्मान बढ़ाने का काम किया है। शहीद की विधवा को, परिवार को 50 लाख रुपए का एक चेक पहुंच गया, परिवार में एक नौकरी और शहीद के नाम से जिले में कुछ सड़क बनाने का काम किया जाएगा। परिवार के लोगों ने अभी इच्छा व्यक्त की कि यहाँ स्मारक बना दिया जाए, तो स्मारक भी बनवा दें।
खबर नैनीताल से है। नैनीताल में मौसम विभाग ने भारी बारिश होने की संभावना को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। डीएम धीराज गर्ब्याल ने जिले के सभी अधिकारियों को क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से निपटने और सभी तहसीलों में बने कंट्रोल रूम को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। खबर ऋषिकेश से है। ऋषिकेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। दरअसल ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक शहर को नशा मुक्त बनाने की दिशा में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत उग्रसेन नगर के पास पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान संदिग्ध रूप से जा रहे एक युवक को पुलिस ने तलाशी के लिए रोक लिया, जिसके पास से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। खबर सहारनपुर से है, जहां तितरो निवासी एक वृद्ध महिला कंटो उर्फ बलबीरी ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया है। कंटो उर्फ बलबीरी ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि ये दोनों मिलकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करते हैं और प्रार्थी को मकान से निकालने की बात कह रहे हैं। पत्र के माध्यम से महिला ने डीएम से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।